ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए अब बात हमारे खास सेगमेंट जनता का मुद्दा की करते हैं। तो महंगाई इन दिनों बेलगाम हो गई है। रसोई गैस और उसके साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतें प्रतिदिन उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ रही हैं। मॉनसून के आगमन के साथ ही सब्जी की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। सब्जी के साथ मुफ्त में धनिया मिलना तो बंद ही हो चुका है। टिंडा, लौकी, भिंडी के साथ नींबू, टमाटर, फूल गोभी, इसके साथ ही प्याज और अदरक की कीमतों में भी अब तेजी देखी जा रही है। सब्जी कीमतों में एक सप्ताह में औसत 20% तक का इजाफा हुआ है और एक महीने की अगर बात की जाए तो कीमतों में 2 गुना तक बढ़ोतरी हो चुकी है। और इस बार सब्जी कीमतों में तेजी की वजह मानसून है। कुछ इलाकों में बादल जमकर बरसे हैं और ऐसे में सब्जी की फसलें खेतों में पानी भरने से खराब हो गई है। सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि आसपास के लोकल क्षेत्र की सब्जियां मोहना मंडी में आने पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं और अन्य प्रदेशों से मोहना मंडी में सब्जियों की आवक हो रही है। टमाटर मोहना मंडी में बेंगलोर से आ रहा है। वहीं करेला, हरी मिर्च की बात करें तो मध्य प्रदेश से करेला और हरी मिर्च मोहना मंडी में आ रही है। वहीं हम धनिया की बात करें तो धनिया मोहना मंडी में बेंगलोर से आ रहा है। बात करें जयपुर के चौमू की तो चौमू में सबसे ज्यादा सब्जियों की पैदावार होती है। यहाँ की सब्जी राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान के अलावा बाकी प्रदेशों में भी जाती है। और सब्जियों की बात की जाए तो इस बार भी मॉनसून की वजह से सब्जियों के भावों ने तेजी से इजाफा किया है और पिछले 10 दिन में सब्जियों के भाव 2 गुने से 3 गुने बढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि सब्जियों के बढ़ते दाम ने यहाँ पर रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। और चौमू सब्जी मंडी में जायजा लिया है हमारे संवाददाता प्रदीप सोनी ने। मॉनसून और बारिश की वजह से सब्जियों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। सब्जियों की बात की जाए तो पिछले 10 दिनों की तुलना में 2 गुने 3 गुने भाव देखने को मिल रहे हैं। भले ही बात मिर्ची की हो या फिर घिया की, सभी के भाव तेजी से 3 गुना तक बढ़े हैं। यहाँ के जो दुकानदार जो सब्जी बेच रहे हैं उनका कहना है कि बारिश के मौसम में अक्सर से सब्जियों के भाव तेजी से बढ़ते हैं और आने वाले जो दिन हैं उनमें भी ये भाव और बढ़ सकते हैं, इस तरह की बात दुकानदार कर रहे हैं। तो वहीं सब्जी मंडी में आने वाले उपभोक्ता भी बार्गेनिंग करते नजर आते हैं, क्योंकि 10 दिन पहले जिस सब्जी के दाम 10 रुपये किलो थे वे आज 40 रुपये किलो हैं। जैसे बात की जाए कि चौमू इलाके में घिया, तुरई, मिर्ची की खासी पैदावार होती है, लेकिन बारिश की वजह से ये सब्जियां नष्ट हो जाती हैं। कुल मिलाकर फसल नष्ट होने की वजह से सब्जियों की आवक नहीं होती है तो दाम तेजी से बढ़ना लाजमी है। दुकानदार बताते हैं कि अब मिर्चियों के भाव की बात की जाए तो तकरीबन 80 से 100 रुपये किलो है। जो घिया आज से 10 दिन पहले 10 रुपये किलो बिकती थी वह आज 40 रुपये किलो बिक रही है। तो कुल मिलाकर बढ़ते दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, चौमू, जयपुर। और चलिए अब जगह जगह से हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से अंकित तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बीकानेर से रौनक व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी का रुख करूंगे। अंकित, आपका रुख करती हूं। राजधानी की अगर बात की जाए तो अब तक पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब सब्जियों के दाम भी लगातार आसमान छूते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 20% तक सब्जी के दाम बढ़ गए हैं, तो इसका कितना असर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि खास तौर पर रसोई प्रभावित हो रही है और पेट पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, आज सबसे अहम है कि भारत की संसद में लोकसभा के सदस्य चर्चा महंगाई पर कर रहे हैं। वो संसद में जो नीति निर्माता है चर्चा कर रहे हैं, हम धरातल पर असर दिखा रहे हैं कि महंगाई ने किस तरीके से आम आदमी की जेब पर डाका डाला हुआ है। बचत बीते दिनों की बात रह गई है, हमेशा महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ती हुई दिखाई देती है। सब्जी ऐसी जरूरत है जो हर रोज आपकी और हमारी थाली में ना केवल स्वाद बढ़ाती है, साथ ही
चलिए तो फिर से संपर्क साधने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। बीकानेर का रुख कर लेते हैं। रौनक व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, लगातार सब्जियों के जो दाम है आसमान छूते नजर आ रहे हैं, ऐसे में कितना प्रभाव रसोई पर पड़ रहा है? जी बिल्कुल अंकुर, देखिए बात करें अगर पश्चिमी रेगिस्तान की, यहाँ पर साफ तौर पर महंगाई का असर जो है आम गृहिणियों के बजट पर देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर अगर बात की जाए, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में हर साल ये जो चीजें सामने आती है कि आवक कम होती है, पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं उसके चलते महंगाई चरम पर पहुंच गए। साफ तौर पर बात की जाए जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां हैं उनके दामों में जो है वो यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साफ तौर पर देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि टमाटर जिसकी ग्रेवी बनती है और सब्जियों में इस्तेमाल होती है उसके दामों में बढ़ोतरी हो गई है। साफ तौर पर बात की जाए बाकी जो हरी सब्जियां हैं उनकी आवक कम है और पूरी तरह से देखा जाए जो लोग यहां पर खरीदारी करने पहुंचे हैं उनकी जेब पर पूरी तरह से डाका डालती हुई जो है महंगाई असर कर रही है। मैं बातचीत करता हूँ, सर आप लोग सब्जी खरीदने आए हैं, कितना असर पड़ गया? पहले कितनी सब्जी खरीदते थे? 60% तक बढ़ गई रेट है, 50 से 60% तक बढ़ गई जी, और हमारा बजट भी लड़का है, इसके डिस्टर्ब हो गए सारा। क्या कोई सोचा बताइए ऐसा, क्या क्या कुछ खरीदने आए थे और क्या फर्क देखने को मिल रहा है पिछले और आज के दिनों में? भाई आज के करेला है, जैसे हरी सब्जियां में बहुत हरी सब्जी आई है इसमें, देखिए आलू भी है आज थोड़ा नॉर्मल, जो आलू है वो भी तेज हो गया, आज नहीं ले पा रहे आलू भी, तो कहीं ना कहीं असर तो है ही। आप सर आप क्या खरीदने आए थे, क्या कितना असर? असर बहुत है, असर में तो इतना है कि अभी ये केला कभी अभी 20 रुपये सीधे 40 रुपये हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ठीक है। अभी अभी सब्जी ले लो, कोई भी ले लो, 20 रुपये किलो सब्जी आज 100 रुपये किलो मिल रही है। बजट में कोई फर्क आ गया? बजट में फर्क सारे आ गया ना, 80% फर्क आ गया, 80% बजट में तो सबके फर्क आना है। महंगाई तो महंगाई होती है, महंगाई कितना ही बढ़, बाकी कोई सीमा तो है ना, रोज दाम बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, कभी बढ़ा देते हैं, कभी 1 रुपया बढ़ा घटा के 10 रुपये बढ़ा के फिर 1 रुपया घटा दें, उससे क्या मतलब, महंगाई तो फर्क तो पड़ता ही है महंगाई से। लेकिन देखिए दुकानदार जो जानता हूँ सर, महंगाई क्यों बढ़ी है, क्या वजह है, पीछे से क्या आवक कम? सर पीछे बारिश के कारण से महंगाई बढ़ गई है, बारिश के कारण आवागमन कम हो गई है, माल सारा बाहर से आ रहा है इसलिए माल खराब भी होता है बारिश के वजह से, इसलिए रेटें बढ़ रही है इसकी। कहाँ कहाँ से माल आता है? नासिक, बेंगलोर, अहमदाबाद और कई जगह से माल आता है बाहर से। कितनी रेटों में फर्क आ गया अगर सब्जियों की बात करें? पहले जैसे कि 20-30 रुपये किलो थी, आज 50-60 रुपये 80 रुपये किलो तक सारी सब्जियाँ पहुँच गई है। अच्छा आप लोग जो घरों में इस्तेमाल करते हैं टमाटर सबसे ज्यादा महंगा हो गया? हाँ टमाटर सबसे ज्यादा महंगा है। कितना फर्क है? टमाटर है, मिर्च है, जैसे ये आलू है, ये तो मतलब 12 माह चलने वाली सब्जी है, इसमें भी अभी महंगाई बहुत है, अभी आलू 15 रुपये से सीधा 25-30 रुपये किलो मिलता है। कहीं ना कहीं अंकुर देखिए, ये जो लाल टमाटर है इसने लाल कर दिया है पूरी तरह से लोगों की जेब पूरी तरह से जो कह सकते हैं गर्म कर दी, और ये भी कहा जा सकता है कि महंगाई की मार आम आदमी के जेब पर दिख रही है। अगर भाव की बात करें 50% तक महंगी हो गई है सब्जियां, और सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिमी रेगिस्तान इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि देश का अंतिम छोर है और ट्रांसपोर्टेशन महंगा है और उसके चलते सबसे अधिक महंगी सब्जियां, महंगा पेट्रोल और तमाम महंगी चीजें जो है आपको पश्चिमी रेगिस्तान के तमाम बिल्कुल रौनक, तो आम लोगों को यहां पर खास तौर पर परेशानी हो रही है। जयपुर का रुख कर लेते हैं। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अंकित आपकी बात अधूरी रह गई थी, जिस तरीके से आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे थे, जरा दिखाइए कितना असर वहां पर देखने को पड़ रहा है, कितना असर वहां पर मिल रहा है? देखिए जैसा मैंने कहा था कि दोहरी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है, मानसून सीजन में नए सीजन की फसलें, सीजन की तैयारी किसान कर रहे हैं, वहीं जब बरसात में सब्जी को तोड़ने में भी समय लग रहा है, जिस दिन बारिश होती है अगले दिन आपूर्ति पर असर होता है, ऐसे में सीजन में कीमतें तेज हैं। हम जान लेते हैं जयपुर में क्या हाल है इस वक्त, हम लाल कोठी मंडी में हैं, सब्जियाँ इस वक्त फिर से तेजी पर हैं, कारण क्या है और क्या भाव चल रहा है? नहीं कारण यही है कि मतलब अभी बरसात का मौसम रहता है तो हर साल इस टाइम मतलब बरसात ज़्यादा होने से सब्जियों की फसल ख़राब हो जाती है, फिर अभी मौसम अभी देखो खुला है 3-4 दिन से, तो उस हिसाब से मतलब सब्जियों का मतलब जैसे आवक बढ़ेगी तो उस हिसाब से रेटें कौन कौन सी सब्जी में तेजी है? सब्जियाँ तो अभी सारी फिलहाल महंगी हो रही है, धनिया भी इधर आ नहीं रहा, धनिया बेंगलोर साइड से आ रहा है इसलिए वो भी तेज बना हुआ है, कभी 150-200 रुपये किलो अभी मार्केट में चल रहा है, अभी टिंडा भी अभी लगभग 200 के आसपास टिंडा चल रहा है, 150-200 अच्छी क्वालिटी वाला,
तो मतलब सारी सब्जियों में अभी तेजी चल रही है मौसम की मार की वजह से, और कुछ तो ये पेट्रोल डीजल मतलब ये दामों से भी अभी कुछ तो फर्क मतलब पहले से बहुत ज्यादा पड़ा है, एक्सपेंसिव हो गया है मामला। माल भाड़े का एक ग्राहक से भी बात करते हैं, जेब से पैसे निकालने बेहद कठिन होता है और जब महंगाई लगातार बढ़ रही है तो सब्जी का भार पड़ता हुआ कितना असर डाल रहा है? डबल पड़ रहा है सर। तो इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ सब्जी कम ले रहे हैं या कमाई की ओर ध्यान कर रहे हैं? दोनों कर रहे हैं जी। सब्जी भी कम कर रहे हैं, कमाई बढ़ा रहे हैं। तो क्या है, क्या लेने आए थे और क्या भाव सोचा था और क्या निकला? तीन गुना, 50 रुपए किलो की चीज 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो हो गई जी। अभी 10 दिन में जी जी। क्या क्या खरीदा आपने? फली और पत्ता गोभी। ठीक है, तो कितना महीने का कितना भार आप पे एक्स्ट्रा लग रहा है कि आपको ज्यादा देना पड़ रहा है? आज के हिसाब से तो 5,000 रुपए। तो इनका औसत है कि 5,000 रुपए के करीब इन पर भार पड़ा है और ये हर एक आम आदमी की कहानी है। आम जनता के सामने मुद्दा यही है कि महंगाई ना केवल इस वक्त सब्जी कीमतों में है, साथ ही अन्य जो खाद्य उत्पाद है बिल्कुल बिल्कुल अंकित खाद्य पदार्थों पर भी 5% तक GST बढ़ाया गया और उसको लेकर भी लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। चौमू से हमारे साथ प्रदीप सोनी जुड़े हुए हैं और अलवर से जुगल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चौमू का रुख करती हूँ प्रदीप, सबसे ज्यादा अगर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो सब्जियां है वो चौमू में उगाई जाती है और ऐसे में वहां पर कितना असर देखने को मिल रहा है, वहां पर दामों में कितना अंतर देखने को मिल रहा है? देखिए अंकुर, जयपुर का चौमू जो इलाका है वहां सब्जी की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। यहां टमाटर मिर्ची के अलावा कई अन्य सब्जियां हैं जो सबसे ज्यादा पैदा होती है, राजस्थान में नहीं अभी तो राजस्थान के अलावा यहां की सब्जियां भेजी जाती हैं। आज मैं सब्जी मंडी में खड़ा हूं लेकिन जब दुकानदारों से बातचीत की गई, जो ग्राहक है उनसे बातचीत की गई, तो वाकई में सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है। पिछले 10 दिन की बात की जाए तो सब्जियों के जो दाम है वो 2 गुने से 3 गुने हुए हैं। सीधी सी बात की जाए, जैसे लौकी थी 10 दिन पहले 10 रुपए किलो बेची जा रही थी लेकिन आज उसके भाव 40 से 50 रुपए किलो है। टमाटर की बात की जाए जो हर सब्जी में आमतौर पर इस्तेमाल होता है, उसके भाव भी लगातार तेजी से बढ़े और 60 रुपए किलो भाव के हिसाब से टमाटर बिके हैं। कुल मिलाकर किसी भी सब्जी को उठाकर देखेंगे तो उसके भाव 2 गुने बढ़े हैं। तो ग्राहक भी यहाँ लेने से पहले पूछता है कि भाव क्या है, फिर इस चीज को लेकर बार्गेनिंग होती है। जब कुछ ग्राहक भी हैं उनसे बात करते हैं, दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं, सब्जियों के भाव इतने तेज क्यों हैं? अब की बार थोड़ी लगातार 15 रोज से बारिश हो रही है, इसकी वजह से यहाँ के किसानों की जो फसल तैयार थी वो थोड़ी चौपट हो गई, इसलिए अब दोबारा फसल के लिए तैयारी हो रही है, इसके लिए भाव की थोड़ी तेजी हो रही है। देखिए जो फसल की बात की जा रही है, बारिश के मौसम में अमूमन ये जो सब्जियों के दाम है बढ़ जाते हैं क्योंकि फसल चौपट हो जाती है और बाजार में सब्जी की आवक कम हो जाती है, खपत ज्यादा होती है तो लोग खरीदने आते हैं, बाजार में सब्जी मिलती नहीं है तो सीधी सी बात है कि उसके भाव तेजी से बढ़ेंगे। यही बात दुकानदार कह रहे हैं क्योंकि मंडी में जब खरीदने जाते हैं तो इनको भी तेजी भाव में मिलती है, तो सीधी सी बात है कि ग्राहक के घर में तेजी के भाव में जाएगी और रसोई का बजट बिगड़ना स्वाभाविक है। कुछ खरीदार है, ग्राहक है, उनसे बात करते हैं। बाबा सब्जी खरीदने आए? हाँ जी। भाव कैसा बताया जा रहा है? अब बात हुई बरसात के मायने सही बता रहा है, मौसम खराब से सब्जी कमी आ रही चाहिए भगत। सब्जी आप उगाते भी हो खेतों में? हाँ उगाते हैं, पर इस वक्त तो बहुत कम है। ये ग्रामीण इलाकों के वो लोग हैं जो खुद सब्जी खरीदने आते हैं, हालांकि सब्जी की पैदावार भी यही लोग करते हैं क्योंकि सब्जियों की जो फसल है वो नष्ट हो गई है, इस वजह से ये खुद बाजार में लेने आते हैं तो इन्हें भी पता चलता है कि वाकई में सब्जियों के भाव क्या है। क्योंकि यहाँ जो मंडी है वो खुदरा की मंडी अलग से है और रिटेल की मंडी अलग से है, खुदरा के भाव अलग है तो रिटेल के भाव अलग है। अभी हम रिटेल वाली मंडी में खड़े हैं, कुछ और ग्राहक हैं हमारे पास। प्रदीप आपके साथ महिलाएं भी कुछ नजर आ रही हैं, जरा महिलाओं से बात कीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो रसोई पर पड़ता है, रसोई का बजट यहाँ पर बिगड़ता है और ऐसे में महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती है, तो जरा महिलाओं से बात कीजिए कि उनका यहाँ पर क्या दर्द है। देखिए कुछ महिलाएं हैं जो सब्जी खरीदने के लिए आई, सब्जी खरीदने आए आप? हाँ। क्या महंगी हुई है सस्ती हुई है? महंगी हो रही है सब्जी तो। क्या असर पड़ रहा है? असर तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है। कितने दिन से लेने आए हो आप सब्जी? ले बाटा आता ही रहता सब्जी तो। आज क्या भाव बताया जा रहा है, कुछ रसोई का बजट बिगड़ा है? 60 रुपए किलो दे रहे थे उससे पहले, इससे पहले जो 40 हो रहे थे।
देखिए जो चीज 40 रुपए किलो थी आज वही चीज 60 रुपए किलो मिल रही है। हाँ। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सब्जी के बढ़ते दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ा है, आम व्यक्ति की जेब जो है वो ढीली हुई है। कुल मिलाकर सब्जी के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं और जो यहाँ पैदावार करने वाले किसान हैं उनका कहना भी यही है कि अगर बारिश लगातार इसी तेजी से होती है तो निश्चित तौर पे सब्जियों के भाव बढ़ेंगे। अंकुर जी बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर आम लोगों की जेबों पर खासा असर देखने को मिल रहा है और आम लोग जो है वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। अलवर का रुख करूंगी, जुगल किशोर हमारे साथ जुड़े हैं। जुगल, अलवर की बात की जाए तो किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है और कितना ये जो सब्जियों का जो दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनको लेकर कितना असर देखने को मिल रहा है, और क्योंकि लगातार दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे में रसोई की जो बजट है उस पर बहुत असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल अंकुर, कह सकते हैं यहाँ जो हालात सब्जी की हम बात कर रहे हैं, सब्जी इन दिनों हर साल बारिश के मौसम में हमेशा बढ़ती है। खासतौर से इसका जो मुख्य कारण देखा जाता है कि बारिश की वजह से कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो गल जाती है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवधान पैदा होता है, बारिशों के चलते आवागमन बाधित होता है जिसके चलते सब्जियां नहीं पहुंच पाती और डिमांड ज्यादा होने के चलते आवक उतनी नहीं हो पाती जिसके चलते यह सब्जियां अक्सर बारिशों के दिनों में महंगी हो जाती है। अगर आज के दौर में हम सब्जियों की बात करें तो करीब 25-30% कुछ दिनों पहले की और आज की सब्जियों के रेट की बात करें तो करीब 30% की सब्जियों के रेट में इजाफा देखा जा रहा है। खासतौर से अधिकांश जो सब्जियां यहाँ देखी जा रही है वो 60 रुपए किलो के आसपास मुख्य रूप से है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऐसी कुछ सब्जियां हैं, हम धनिया की बात करें जो 300 कुछ रुपए होलसेल के रेट में चल रहा है जो रिटेल में जाकर के 400 रुपए किलो में बिक रहा है। यह तो एक सिर्फ धनिया की बात है और अन्य सब्जियों की हम बात करें कोई भी सब्जी यहाँ 50 रुपए और 60 रुपए किलो से कम नहीं है जिसके चलते सबका घर का बजट बिगड़ना स्वाभाविक है। हमारे साथ में यहाँ जो दुकानदार है महेंद्र सैनी है, हम उनसे बात करेंगे। आजकल सब्जियों के भाव की बात करें तो किस तरीके के चल रहे हैं? सर सब्जियों के भाव जैसे टमाटर 40 है, भिंडी 60-50 चल रही है, खीरा पूछ रहा है थोक होलसेल रेट 60 रुपए पा रहा है होलसेल रेट, यहाँ सिर्फ बेच रहे हैं। और जैसे घिया है 30-35 थोक में बिक रही है, 40 तक भी बिक जाती है। तोरू है 30-35-40 थोक रेट रहता है, 50-60 बेचना पड़ रहा है। जैसे आलू है पहाड़ी आलू जो 32 रुपए तो खरीदा रहा है पहाड़ी आलू। मंदिर इन दिनों की बात करें हम सब्जियों की, बारिश में क्या वजह होती है महंगी हो जाती है? बारिश में सब्जियां बाढ़ आना, बाहर खेतों में पानी भरना, सड़ना गड़ना, माल टूटना, टाइम पर टूटता नहीं है, उगड़ जाते हैं अंदर, इसके कारण सब्जियां इतनी बड़ी महंगी हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक खरीदार भी है जो सब्जी खरीदने आए, हम उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि बारिशों में अक्सर सब्जियां महंगी हो जाती है और खास तौर से बारिश में एक तो वजह होती है कि ट्रांसपोर्टेशन बाधित होता है, बारिश की वजह से सब्जियां गल भी जाती है, तो कितना अंतर आजकल सब्जियों में देख रहे हैं आप? आजकल 30-40% का अंतर आ गया सब्जियों में, हर चीज महंगी है, कोई चीज 50-60 रुपए से कम है ही नहीं। जो कभी 20-25 रुपए किलो होती थी आजकल उसको जो है धीरे धीरे करके जो है 50-60 रुपए से कम तो कोई भी चीज नहीं है जी। और कई कोई तो मतलब जो है गोभी जैसी चीज है वो तो जो है 40 रुपए पाव सब्जी हो गई, तो इतनी महंगी की कोई चीज ऐसी नहीं है जो सस्ती हो, हर चीज में जो है भाव का भी 30-40% के भाव बढ़ गए हैं। आदमी एक आम आदमी का बजट कैसे करे, एक पेंशनर है वो कैसे अपना बजट पूरा करेगा जी, तो उसको लिए उसको और चीजों में कटौती करनी पड़ती है जी। अब वो उसकी आय तो सीमित है जी, तो इसलिए वो भी क्या करे, ठीक है अब इन और चीजों में कटौती करके जैसे कैसे है अपना घर का खर्च चला रहा है। देखिए यह एक हम बात कर रहे हैं पेंशनर है, उनका ये कहना है क्योंकि एक लिमिट बजट होता है हर चीज के लिए और घर पर चलाने के लिए और भी खर्चे हैं उनमें कटौती करनी पड़ती है, लेकिन जो जरूरी है क्योंकि सब्जी के बिना नहीं रह सकते, ये ऐसी चीज है जो रोजाना घर खर्च में ये आएगी ही आएगी और घर का बजट बिगड़ेगा। और खासतौर से अगर आज के हम सब्जियों की बात करें यहाँ गोभी 80 रुपए किलो देखी जा रही है, तोरी जैसी सब्जी है जो 60 रुपए है और घिया जो एक 5 रुपए और 2 रुपए 3 रुपए किलो तक बिकता था वो भी आज 40 रुपए के भाव पहुंच गया है। टमाटर है आलू है ये सब लगभग 40-50 रुपए पहुंच गए हैं। और अगर जैसे कुछ ऐसे फ्रूट्स की मैं बात करूं जैसे केला है या अन्य ऐसे जो फ्रूट्स हैं वो बाहर से आते हैं, खासतौर से ट्रांसपोर्टेशन की समस्या के चलते वो फ्रूट उतने नहीं पहुंच पा रहे जितनी एक डिमांड होती है, जिसके चलते भी सिर्फ सब्जियां ही नहीं फ्रूट्स में भी इस तरीके की महंगाई देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल जुगल, सिर्फ सब्जियां ही नहीं बल्कि जो
फल हैं उनके दाम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में आम जन जो है वो बेहद परेशान है। जयपुर का रुख करूंगे, अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, मुफ्त में मिलने वाला धनिया जो है वो 300 से 400 रुपए मिल रहा है। अब ऐसे में महंगाई का जो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि महंगाई किस हद तक पहुंच चुकी है। सरकार की तरफ से भी लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो खाद्य पदार्थों पे 5% GST लगाया गया, उसको भी लेकर विरोध किया जा रहा है, लेकिन इसका जो विरोध का असर है वो कहीं ना कहीं अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में कितना जो लोग हैं उन्हें कितनी परेशानी हो रही है और कैसे वो अपना बजट यहाँ पर मेंटेन कर पा रहे हैं, जरा बात करके बताइए। देखिए, कोविड के बाद से स्थितियां विपरीत हैं। लाखों लोगों की जॉब्स गई, साथ ही जो इंक्रीमेंट्स होने थे वो भी प्रॉपर हुए नहीं, लेकिन अब वापस से जो इंडस्ट्री है, कारोबार है, व्यापार है, वो रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन इस रफ्तार के बीच में बड़ी चुनौती महंगाई बनी हुई है। प्रत्येक सेगमेंट में, चाहे वो कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ हो, खानपान से जुड़ा हुआ हो, परिवहन से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि सब्जी कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह ये भी है कि जो बेंगलोर, कर्नाटक, हैदराबाद सहित अन्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से आने वाली जो सब्जियाँ हैं वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के चलते 4 से 5 रुपए प्रति किलो तक महंगी हैं, और इसका सीधा असर खुदरा खरीद में भी देखने को मिलता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से तमाम चीजों पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो कई इलाकों में खेतों में पानी भरा हुआ है, इसका भी सीधे तौर पर फसली उत्पादन पर असर है। इसके अलावा मुनाफे के लिहाज से भी बात करें तो थोक और खुदरा बिक्री में एक बड़ा अंतर है, वो भी एक बड़ा चिंता का विषय हमेशा रहता है। हालांकि मानसून सीजन में सब्जियों में खराबा अधिक होता है, ऐसे में उनकी कॉस्ट के आधार पर खुदरा में जो कीमतें 50 रुपए के आसपास होती हैं, वो थोक भाव में 20 से 25 रुपए आसानी से बड़ी मंडियों में मिलती हैं। तो ये बड़ा एक अंतर है जो सीधे तौर पर उपभोक्ता की जेब पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश, हालांकि सब्जी कीमतों में सीधे तौर पर किसान से जुड़ी हुई है, उनकी आमद से जुड़ी हुई है, सरकारें पीछे हटती दिखाई देती, लेकिन इतना जरूर है आज लोकसभा में मंथन है कि महंगाई को कैसे काबू किया जाए और इस मंथन के बाद कुछ जरूरी कदम दिख सकते हैं। विशेषज्ञों की राय, रिपोर्ट्स तमाम आज संसद में पेश होनी है। वित्त मंत्री को भी इस बारे में बताना है कि सरकार किस तरीके के उपाय कर रही है। जैसा पिछले दिनों हमने देखा, आरबीआई ने रेपो रेट में इजाफा किया था, साथ ही कुछ कड़े फैसले लिए थे, जीएसटी के दायरे भी आय बढ़ाने के लिए बढ़ाए थे, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो सबसे अहम है वो ये है कि राहत नहीं मिल रही। बिल्कुल, और राहत पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। लगातार कोशिश है कि महंगाई को कैसे कम किया जाए, लेकिन महंगाई जो है वो कम होती नजर नहीं आ रही है। बीकानेर का रुख कर रहे हो रौनक, महंगाई कम होती नजर नहीं आ रही है और ऐसे में आम जन परेशान है। आम लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अपने बजट को मेंटेन करने की जरूरत यहाँ पर पड़ रही है उन्हें। क्या वहां पर जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे जरा बात कीजिए और कैसे वो अपना बजट मेंटेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल अंकुर, देखिए मैं बातचीत करता हूँ, पहले जानकारी दे दूँ कि जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ उसने पूरी तरह से असर जो है वो यहाँ पर डाला है। अगर बात की जाए, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उसके बाद, और साथ ही साथ जो बारिश है उसने पूरी तरह से महंगाई पर असर डाला है। मैं बात करता हूँ, सर आप लोग सब्जी खरीदने आए, कितना बजट में जो है वो बदलाव आया है, कितनी परेशानी हो रही है? सर सब्जियां अभी काफ़ी महंगी हो गई, तो सब्जियां पहले 100 रुपये किलो थे, अभी 150 से 175 रुपये लग रहे हैं। आलू पहले 10 से 15 रुपये किलो था, अभी 25 रुपये किलो आलू बता रहे हैं दुकानदार, और हरी सब्जियां भी काफ़ी महंगी है। आप क्या खरीदने आए थे और क्या निराशा लग रही है? मैं हरी सब्जी लेने आया था, लेकिन वो क्या काफ़ी महंगी है, ये लोहे हैं जो ये 100 रुपये किलो बता रहे, तोरी 100 रुपये किलो बता रहे, तो आलू ले रहा हूँ, बजट के बाहर है इसलिए आलू लेके 1 किलो, और क्या करें सर। अच्छा आप बताइए सर, आप क्या खरीदना आए थे और क्या कुछ ले पा रहे हैं कि नहीं? सर जो डेली रूटीन में चीज़ें आती है, जैसे आलू है, प्याज है, ये 10 से 15 रुपए किलो होते हैं, आज ये 25 रुपए 30 रुपए किलो बोल रहे हैं। हरी सब्जियां तो हम नॉर्मल जैसे खा नहीं सकते, 100 रुपए 150 रुपए किलो बोल रहे हैं ये सर जी सारे। ये जैसे फली जैसी चीज़ें हैं, ये 200 रुपए 250 रुपए किलो बोल रहे हैं, अब हम नॉर्मल बंदे क्या लें? आलू प्याज जैसे ऐसी चीज़ें से गुजारा करना पड़ता है जी। बिल्कुल अंकुर, देखिए
बात वही है, महंगाई है पूरी तरह से, और ये कहा जा सकता है महंगाई डायन यहाँ खाए जात वाली जो बात है वो लागू होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल रौनक, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अंकित आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रदीप और जुगल आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जनता की परेशानी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।